क्लस्टर सैंपलिंग हम लोग रिसर्च में जानते हैं दैट इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ रैंडम सैंपलिंग, बट हम लोग रैंडम सैंपलिंग तो एक सैंपलिंग जानते हैं, बट क्लस्टर सैंपलिंग तब होता है जब किसी भी पॉपुलेशन में उसमें एक होमोजेनिटी है, बट विद इन होमोजेनिटी देयर इज ऑल्सो हेटरोजेनिटी। तो जो होमोजेनिटी की कंडीशन को देखते हुए हम उसको क्लस्टर करते हैं, डिफरेंट ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, उस ग्रुप से हम लोग सैंपलिंग करके लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग किसी स्पेसिफिक कैटेगरी को किसी विलेज में जो ओनली अपर कास्ट या ओनली वन पर्टिकुलर कम्युनिटी या ओनली दिस पर्टिकुलर ग्रुप बिटवीन टॉप्स ऑफ एज, तो इस तरीके के हम क्लस्टर करते हैं। तो क्लस्टर के माध्यम से हमें सैंपलिंग करना आसान हो जाता है, तो हमें लार्जर पॉपुलेशन, तो ज्यादा पॉपुलेशन में हम लोग क्लस्टर सैंपलिंग के माध्यम से ग्रुप वाइज एक इनर होमोजेनिटी को देखते हुए उसकी हेटरोजेनिटी को भी समझने में आसान हो जाता है वंस वी डू दिस प्रोसेस ऑफ क्लस्टर सैंपलिंग।